तो कैसे हो भाई लोग, आप सभी का वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से ब्रांड न्यू वीडियो में। सो यार आज की सोलो वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं टैब्स मींस के टोटल एक्यूरेट बैटल सिमुलेटर। तो भाई जिसको इस गेम के बारे में नहीं पता तो मैं उसको बता देता हूँ। तो भाई इस गेम के अंदर हमारे पास एक रेड और एक ब्लू दो टीम्स होती हैं एंड हमें इनके दरमियान एक खतरनाक वाली वार करानी होती है। मुकाबला एकदम बराबरी का होने वाला है बट डिपेंड करेगा सब कुछ लक पर। एंड लेट्स सी के गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर ना कौन जीतता है। बाकी यार यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफी सारे मैप्स हैं बट मैं ना ये पहला ट्राई करने वाला हूँ बिकॉज यार ये मुझे ना काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। तो अभी तक यार आपको ना इस गेम के बारे में नहीं समझ आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक प्लेयर स्पॉन कराया एंड एक ही प्लेयर मैंने यहाँ पर स्पॉन करा दिया। ये रेड का प्लेयर है एंड ये ब्लू का। अब दोनों के दरमियान वार होने वाली एंड सब कुछ डिपेंड करता है लक पर। देखते हैं भाई कौन जीतता है। लेट्स सी गाइस यहाँ पे हमारी वार शुरू हो चुकी है एंड भाई साहब काफी खतरनाक वाली वार है भैंस की आंख। All right, so यार काफी खतरनाक वाला वार चल रहा है। ओके तो भाई सब जी रेड जोन सी है ना वो जीत चुकी है एंड ऐसे ये तो था एक डेमो बट अभी जो मैं वार कराने जा रहा हूँ वो छोटी मोटी वार नहीं होने वाली, बहुत बड़े लेवल की होने वाली है। so यार शुरुआत में हम पांच प्लेयर्स की ना वार कराएंगे एंड लेट्स सी यार कौन जीतता है। तो यार प्लेयर स्पॉन करके आप लोगों को मिलता हूँ। All right, so यहाँ पर आप देख पा रहे मैंने ना दोनों टीम्स के प्लेयर्स को ना खड़ा कर दिया एंड अब शुरू करते हैं अपनी वार और देखते हैं भाई कौन सी टीम जीतती है। भाई एक बार आप लोग इनकी शक्लें चेक करो भैंस की। मैं गरीब हूँ। अभी ये क्या था, ये शादी पर आए हुए हैं क्या ये दोनों भैंस की? लड़ी नहीं रहे अभी, ये तो बच्चों वाली वार थी। बट एनीवेज तो मैंने शुरुआत में ना ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे लल्लू पंजू जितने भी होते हैं ना सारों को मैंने स्पॉन कराया था बट अब की बार ना मैं काफी क्रेजी ना प्लेयर स्पॉन कराने वाला हूँ, आप लोग बस देखते जाओ। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैंने ना काफी खतरनाक वाले ना प्लेयर स्पॉन करा दिए हैं एंड अब की जो वार होने वाली है ना भाई काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है एंड आप लोग देख पा रहे शुरू में ही काफी क्रेजी हो चुकी है। बट लेट्स सी यार रेड जीता है या ब्लू। पिछला मैच भाई रेड जीता है एंड भाई फिर से रेड जीत चुका है एंड मैंने आपको बोला था ना भाई ये पूरी की पूरी गेम ना लक पे डिपेंड करती है एंड भाई काफी क्रेजी है ब्रो। तो भाई मुकाबला ना काफी खतरनाक चल रहा है क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो रेड के ना दो पॉइंट्स है एंड ब्लू का ना सिर्फ और सिर्फ जीरो है। तो यार ब्लू ना अगर ये वाला मैच भी हार जाता है ना तो ये पूरी की पूरी सीरीज हार जाने वाला है बिकॉज ये टोटल पांच मैच होने वाले हैं जिसमें से रेड ऑलरेडी दो मैच जीत चुका है। बट लेट्स सी यार ये मैच कौन जीतता है बिकॉज मुकाबला एकदम बराबरी का हो रहा है एंड सब कुछ लक पर डिपेंड करता है। तो भाई मेरी तो ब्लू थी भैंस की आंख बट यार इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। तो यार इस बार ना मैं ब्लू को थोड़े ज्यादा प्लेयर्स देने वाला हूँ, देखते हैं क्या ये ज्यादा प्लेयर्स जीत भी पाते हैं कि नहीं। ओके तो यार आप लोग देख पा रहे हो मैंने रेड को दिए 10 प्लेयर्स एंड ब्लू को दिए 12 प्लेयर्स एंड लेट्स सी यार क्या ये वाली बार जीत पाएगा ब्लू के नहीं। वक्त यार ये बार काफी खतरनाक हो रही है भाई। ओ भाई साहब यहाँ पे निंजा वगैरह सब कुछ आया हुआ है। ऑल राइट, यहाँ पे काफी आसानी से जीत चुका है ब्लू क्योंकि आप देख पा रहे हो इनके चार से पांच प्लेयर्स अभी बाकी हैं। बट जो अभी बोला जाए रेड ने काफी अच्छा पिछले दो गेम्स के अंदर ना परफॉर्म करा है बट यार ये काफी क्रेजी बंदा है भाई। ऑल राइट, सो यार दोनों टीम्स रेडी हैं फोर्थ मैच के लिए एंड अगर यहाँ पर रेड जीत जाता है तो ब्लू सीरीज से बाहर हो जाने वाला है बट अगर ब्लू जीत जाता है तो सीरीज टाई हो जाने वाली है एंड लास्ट मैच में पता चलने वाला है कौन है असल हीरो। एंड आर यू रेडी गाइस फॉर द सेमीफाइनल? लेट्स गो यार। नो वे यार, फिर से ब्लू हार गया भाई। आई थिंक यार रेड ज्यादा पावरफुल है ब्लू से। तो भैंस की आप देख पा रहे हो मैंने दोनों को ना बराबर प्लेयर दिए थे बट यार आप देख पा रहे हो ब्लू तीन मैचेस हार चुकी है। तो यार जैसे कि आप सभी को पता है जब ना एक टीम सीरीज जीत जाती है बट आखिरी मैच बचा होता है तो यार वो मैच खेला जाता है एंड अगर इस मैच में भी ना ब्लू हार जाती है मैं कुछ नहीं कहने वाला ब्लू के बारे में क्योंकि हमारी नजरों में ब्लू एक लूजर हो जाने वाली है। क्या ब्लू अब कोशिश करेगी ये मैच जीतने के लिए? लेट्स गो गाइस। All right, so वक्त आ गया दोनों के दरमियान वार शुरू करने। Let's go. All right, so
फाइनली काफी ज्यादा टाइम के बाद ब्लू जीत चुके एक मैच ब्रो। आप देख पा रहे हो फाइनली ब्लू ने ना ये मैच हरा दिया रेड को, एंड इसी के साथ ब्लू ने अपनी इज्जत बचा लिया। ना काफी गालियां पड़नी थी ब्लू को, बाकी यार काफी खतरनाक वार हुई है दोनों के दरमियान। एंड आई होप कि यार आपको ना आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।